13 अप्रैल गुरुवार का दिन, बेसन के डिब्बे में रख दीजिए ये चीज़। लाखों मांगोगे करोड़ों मिलेंगे। थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि मैं गुरुवार का विशेष उपाय आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। डिब्बे में क्या रखना है, ऐसी खास चीज़ जो चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में धन का प्रवाह लेकर आए। जैसा कि आप जान ही चुके होंगे कि 13 तारीख यानी 4 का टोटल अंक आ रहा है, लेकिन उसमें 3 और मतलब 1 भी है, 3 भी है, विशेष रूप से सूर्य का अंक भी है। और 3 का अंक होने से गुरु की 50% पावर है और सूर्य की भी 50% पावर है और कुल मिला के राहु की 100% पावर है। तो 4 का अंक होने से बहुत शुभ है और चौथा महीना है तो ज़बरदस्त दुर्लभ योग बना है इस दिन। इस दिन का आप जितना सदुपयोग करेंगे आपको लाभ होगा। और गुरुवार का दिन है तो क्या कहना, गुरुवार को अगर बेसन के डिब्बे में आप रखते हैं या चने की दाल के डिब्बे में भी रख सकते हैं, अगर आपके घर में बेसन नहीं है तो राइट नाउ बेसन नहीं है तो, वैसे तो मंगा भी सकते हैं कल, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल बेसन खरीदना वैसे भी शुभ होता है, तो मतलब हल्दी के डिब्बे में भी रख सकते हैं, लेकिन हमारी राय ये है कि बेसन के डिब्बे में ही रखें तभी आपको फ़ायदा होगा। आप बेसन का सत्तू भी सेकेंड ऑप्शन के रूप में ले सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी आपको प्रेषित करना ही करना है। आइए मित्रों आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपको पैसा ही पैसा देने वाला है। वेदों में राहु को विचित्र रूप वाला और केतु को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा राहु केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन छाया ग्रह कलयुग में विशेष प्रभाव को रखते हैं। और ये जो वर्ष है राहु केतु का वर्ष है, इस वर्ष आप राहु केतु से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। चौथा महीना राहु का होता है और 7वां महीना केतु का होता है, तो आप जुलाई में भी ये उपाय कर सकते हैं और अप्रैल में भी ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आप ओम नमो नारायणाय का मंत्र जाप करते हैं तो आपके राहु केतु से संबंधित दोष शांत हो जाते हैं। तो कल के दिन पूरे दिन ओम नमो नारायणाय नमः, इससे आपको लाभ होगा। वैसे राहु को बलि बनाना कलयुग में बहुत श्रेष्ठ होता है। अगर आप गणित के सवाल करते हैं या भूल भुलैया का मार्ग खोजते हैं, वर्ग पहेली भरते हैं, तो इससे राहु स्ट्रांग होता है। आप नपी तुली बात समझें और बोलें तो आपको राहु की कृपा मिलती है। सफ़ेद चंदन और केसर का तिलक अगर माथे पे लगाते हैं तो आपको लाभ मिलता है। नाभि पे भी अवश्य लगाइए। सफ़ेद चंदन का पेंडेंट भी आप पहनने से लाभान्वित हो सकते हैं, इससे राहु की कृपा आपको मिलती है। आप सर्प गंध की जड़ या चंदन की लकड़ी नीले धागे में गुरुवार को पहनते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ होता है। गुरुवार को सत्तू का सेवन करें या सत्तू का शरबत जो चने से बनता है, रोस्टेड चने से बनता है, उसका सेवन आप करते हैं। सत्तू का पाउडर मार्केट में मिलता है तो सत्तू का सेवन किसी भी रूप में करते हैं गुरुवार को तो आपको लाभ मिलता है। गुरुवार के दिन गरीबों को चंदन का शरबत वितरित करें, इससे आपको लाभ होगा। एटलीस्ट 40 गरीबों को करें, लेकिन 4 गरीबों को भी आप चंदन का शरबत वितरित करते हैं तो आपका राहु आप पर मुदित होता है और आपके जीवन में पैसा ही पैसा आने लगता है। एक गुल्लक अपने घर में ज़रूर रखें, इससे राहु आपके घर में विराजमान होते हैं और आपको पैसा ही पैसा देते हैं। घर की छत पर कबाड़ खाना ना बनाएं और उसको साफ रखें तो आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि घर की छत पर राहु का वास होता है। बेसमेंट में केतु का वास होता है तो अगर आपके घर में बेसमेंट है तो बेसमेंट को भी साफ़ सुथरा रखें, इससे केतु की कृपा आपको मिलती है। विशेष रूप से कोनों को साफ रखें तो आपको फ़ायदा होता है। दिन में 4 बार स्नान करें, स्नान ना कर सकें तो गुरुवार की बात कर रही हूँ, गुरुवार को साबुन लगा के स्नान नहीं करना है, सादा पानी ही डालें तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। 4 का अंक राहु का होता है इसीलिए 4 बार स्नान करने की सलाह दे रहे हैं। आप 4 बार स्नान ना कर सकें तो 4 बार मुँह धोएं, इससे भी आपको राहु की कृपा मिलेगी। आइए थंबनेल पर आते हैं। बेसन के डिब्बे में आपको क्या रखना है ये जानिए। बेसन के डिब्बे में 4 मूली के बीज रख दीजिए,
इससे भी आपको लाभ मिलता है, आपके घर में पैसा ही पैसा आने लगता है, लाखों मांगते हो तो करोड़ों आपके जीवन में आते हैं। सूखा नारियल भी रख सकते हैं, नारियल की सूखी गिरी भी रख सकते हैं, ग्रेटेड जो सूखा नारियल का बुरादा होता है उसको भी चार पुड़िया बनाकर बेसन में रखते हैं तो आपको लाभ मिलता है। डेली बिल्ली को दूध पिलाना चालू कर दीजिए, आपका राहु शांत हो जाएगा और आपको मनमाना पैसा देगा। बेसन के डिब्बे में अगर आप मगज के बीज रखते हैं या तरबूज के बीज रखते हैं चार की संख्या में, तो भी आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। बेसन के डिब्बे में ये चीज़ें रखना आपको पैसे वाला बनाने में मदद करती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। हमसे परामर्श लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करें। सभी सर्विसेज चार्जेबल होती है। हमें 25 साल का अच्छा खासा अनुभव है। हमारे इस अनुभव का लाभ उठाने के